आप सभी कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों का स्वागत है तो छात्रों इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा ग्यारहवीं जो आपका सब्जेक्ट भौतिक शास्त्र है उसके दो जनवरी को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा दो हज़ार तेईस चौबीस के लिए पार्ट टू कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं तो छात्रों ये जो पेपर है आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि 90 परसेंट चांस रखता है सेम क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए आपको दो जनवरी के दिन फिर भी छात्रों आप अपने तरफ से तैयारी रखिएगा हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर पाँच छः सारे सारे दो नंबर वाले आंसर बता दिए थे अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन नंबर वाले क्वेश्चन और उनके आंसर की जो कि आपको बिल्कुल सेम टू तो सेम पेपर में फंसने वाले हैं फंस जाएंगे तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल सकता है अप टू नाइन्टी परसेंट चांस है इसके ठीक है सारे क्वेश्चन को सेम फंसने के तो यहाँ पर हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एम एन एन एम तथा एन एम में क्या अंतर है इसका अथवा वाला देख सकते हो एम दोनों राशियों में जिनकी बीमाएँ दी गई हैं कम से कम दो राशियों के नाम लिखिए फिर सिक्स क्वेश्चन देखते हैं एक समान वृत्ति गति में त्वरण क्यों होता है इसका अथवा तो प्रक्षेप गति से आप कैसे समझते हो सातवा क्वेश्चन है क्या कारण है कि मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊपर रखी जाती है और अथवा में है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की उत्साह में क्यों झुका लेता है तो अभी हम इसके उत्तर देख लेते हैं प्रश्न चार पाँच छः सात के सो यहाँ पर से आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पाँच है एम एन एन एम तथा एन एम में क्या अंतर है तो एम एन का अर्थ है मिली न्यूटन एन एम मीट न्यूटन मीटर तथा तो एन एम का अर्थ है नैनोमीटर है ना ये आपके तीनों में अंतर हो जाएंगे दो अंक के आधार पर इसके अथवा में जो था आपका एम एल माइनस एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स टू एम एल टू टी इनवर्स वन ये जो दो दोनों राशियों में जिनकी बीमा दी गई है कम से कम दो राशियों के नाम लिखिए तो पहली वाली का नाम है दप तथा प्रति प्रतिबल तथा सेकेंड का नाम हो जाएगा प्लांक नियतांक तथा कौणीय संवेग इसके बाद आपके छात्रों फट पाँचवें के बाद जो छठवा क्वेश्चन था एक वृत्ति में तुर क्यों होता है तो इसमें आपका आंसर आया क्योंकि गति की दिशा निरंतर बदलने के कारण वेग बदलता है जिससे गति में तरण उत्पन्न होता है अठवे वाले का उत्तर देख सकते हो पृथ्वी क्षेत्र में छात्र से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है इस गति को अंतर्गत पिंड एक और तल में एक पथ पर गति करता है है ना अभी आपका जो सेवंथ क्वेश्चन था क्या कारण है वाला तो यहाँ पर आपको उसका आंसर है आप बिल्कुल उससे वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो अच्छे से याद कर लो देन इसके अथबा वाला भी आप देख लो मोड़ की साइकिल मोड़ पर साइकिल सवार से को मोड़ की दिशा में क्यों झुका लेता है इसका उत्तर भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है देन उसका आंसर चेक करेंगे तो आपका देखो इसके बाद सेवंथ हमने देख लिया है ना एट्थ क्वेश्चन क्या है सम्वेक किसे कहते हैं आठ है इसके अथवा में है बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर साइकिल क्यों फसल जाती है और फिर नाइन्थ है गुरुत्व तुरंत जीव को प्रभावित करने वाला कौन से हैं और चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण लिखिए तो इन एट्थ और नाइन्थ के हम उत्तर देखते हैं डायरेक्ट तो आप यहाँ पर से देख सकते हो एट्थ और नाइन्थ के उत्तर क्या रहेंगे आ, यहाँ पर जो आपको संवेग किसे कहते हैं यहाँ पर परिभाषा है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और देन इसके बाद जब क्वेश्चन है बरसा गुणत्वितरण जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं है ना इसे आप चेक कर सकते हो बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर साइकिल क्यों फसल जाती है इसका उत्तर आपका यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लो गुरुत्वीय वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपके ये आपके सामने उपस्थित हैं चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण लिखिए तो इसका उत्तर भी आपके सामने चंद्रमा पर पड़े गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग उस पर पलायन वेग लगभग दो दशमलव चार किलोमीटर सेकंड के बराबर या इससे अधिक होता है तथा तो अतः सभी गैसें चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाती हैं जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है ठीक है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कौन सा है आपका तो एट्थ तो नाइन्थ देख लिया दसवा क्वेश्चन है उषमा का आंतरिक तुलांक क्या होता है दो समतापी एक बक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं फिर परम शून्य और उसके बाद गैस की अनुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप क्या होता है बताना है प्रग्रामी तरंग से क्या तात्पर्य है और ध्वनि तरंगों के व्यंथ से क्या तात्पर्य है यहाँ तक आपको दो नंबर के प्रश्न हैं तो इन सभी को उत्तर देख लेते हैं सो यहाँ पर छात्रों आप देख पाओगे आपके जो उत्तर क्या है यहाँ पर आपका जो सबसे इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यंक क्या होता है सो so, यहाँ पर इसका उत्तर है यांत्रिक तुल्यांक का इसके बाद हम बात करें दो क्षमता पर क्यों नहीं काट सकते हैं इसका उत्तर भी आप देख सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें परम शून्य ताप पर किसी गैस की गति जुर्जा कितनी होगी इसका उत्तर आप यहाँ पर देख देन गैस के अनुगति सिद्धांत का आप आंसर चेक कर सकते हो इसके बाद छात्र हम पूरे क्वेश्चन रेगुलर देख लेते हैं एंड देन इसके आप आंसर रेगुलरली चेक कर लेंगे तो हमने देख ली सारे दो नंबर के क्वेश्चन के आंसर अभी जो तीन नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं आ, प्लांक नियतांक भौतिक राशि में भ्रेम सूत्र लिखने हैं आपको चार भ्रीम सूत्र आपको लिखने हैं या फिर ऐसा ही पद्धति में मूल राशियों के मात्र एवं संकेत नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य की परिभाषा लिखकर व्यंजक निर्मित करना है संगठक से तात्पर्य है किसी ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें दो कण हो इस इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए देन सिक्सटीन क्वेश्चन सिक्सटीन का अथवा एंड देन सेवनटीन क्वेश्चन इसका अथवा ठीक है एट क्वेश्चन इसका अथवा उन्नीसवा और इसका अथवा अभी डायरेक्ट सबके उत्तर देखते चलते हैं तो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं अभी यहाँ पर से आप आंसर देखते चलो और वीडियो पॉज करके उन्हें डायरेक्ट याद कर लो ओके सो so, यहाँ पर ध्वनि के में व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है ये दो नंबर वाला है अभी ऐसा SI, ही पद्धति में आपके जो मात्रक हैं उनका आंसर आपका ये है ठीक है प्रतीक चिन्ह और मात्रक और राशि है इसके बाद जो आपके बीमे सूत्र था तीन नंबर में ये आपका पहला बेमेशूत्र देन दूसरा तीसरा और ये चौथा संगठक से के तात्पर्य इसका उत्तर आपके सामने है कार्य की परिभाषा लिख के व्यंजक नियमित कीजिए उसका उत्तर आपके सामने है संगठक से क्या तात्पर्य है अप्रत्याश तो अप्रत्याश में दो अंतर इसका उत्तर आपके सामने है कार्य की परिभाषा लिख के व्यंजक नियमित कीजिए इसका उत्तर भी आप यहाँ पर से सिंपली वीडियो को पॉज करके देख के लिखते चलो ऐसे निकाय में द्रव्यमान के लिए व्यंजक इसमें दो कर्ण हो तो इसमें आपका चित्र ये वाला बनेगा इतना आपको लिखना है इसका सिद्धांत वगैरह और फिर ऊपर से इतना आपका आंसर हो आएगा किसी एक समान छड़ के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहाँ पर आप आंसर चेक कर लीजिए देन इसका किसी डड़ पिंट के लिए इसका उत्तर आपके सामने है देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके बाद छात्रों डायरेक्ट आप इसके उत्तर देखते चलिए और जो भी आपके प्रश्न हैं उनके हिसाब से अपने याद कर लो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन के उत्तर है जो कि हमने ऊपर देखे थे डायरेक्ट हमने क्या उत्तर में लाइए और इन्हें याद कर लीजिए सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका उत्तर आप देख सकते हो निश्चित साते हो झरने का पानी की तरफ की गणना कीजिए तो यहाँ पर इसकी गणना है उसमें के प्रथम नियम के आधार पर मेयर के समीकरण को सिद्ध करना है तो इसका उत्तर भी आपके सामने है देन अभी इतने आपके इतने ही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में उसे ज्वाइन कर लो